यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सीएम योगी के परिवार जन की ओर से सौंपी तहरीर के बाद पुलिस ने तुरंत ही एक्शन ले लिया है। पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है और साथ ही इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। यूपी सीएम योगी के भाई शैलेश बिष्ट से फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर गाली गलौज करना और साथ ही उनके परिजनों को जान से मारने की धमकी देना एक कांग्रेस नेता एवं जिला पंचायत सदस्य को भारी पड़ गया है। वहीं शैलेश बिष्ट ने इस मामले में पुलिस कोतवाली कोटद्वार में लिखित तहरीर दी है। पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी के भाई शैलेश बिष्ट की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है और साथ ही इसकी जांच भी शुरू कर दी है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में यमकेश्वर ब्लॉक में ग्राम पंचूर और वर्तमान में कोटद्वार निवासी शैलेश बिष्ट ने इस मामले में बीते 11 जुलाई को कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। उनका कहना था कि वो आर्मी में है और इन दिनों कोटद्वार में उनकी तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत सदस्य क्रांति कपूरवान ने उन्हें और उनके परिवार के खिलाफ गत 16 जून को फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड की थी। उसका विरोध करते हुए उन्होंने जब आरोपी को फोन पर पोस्ट हटाने के लिए कहा तो उसने फोन पर ही गाली गलौज करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। वहीं आरोप ये भी है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अब आरोपी का मन नहीं भरा तो उसने परिवार को जान से मारने की धमकी दे डाली। इस दौरान आरोपी ने उन्हें भी मारने की धमकी दी है। उन्होंने बताया कि आरोपी नीलकंठ इलाके में पहले भी इस प्रकार की हरकतें कर चुका है। उन्होंने कहा कि उनके पास आरोपी की कॉल रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मणिभूषण श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा इस मामले में, आइए चलिए जानते हैं। उन्होंने बताया कि शैलेश बिष्ट की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और साथ ही इस पर जांच शुरू कर दी गई है। कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। वहीं प्रशासन ने ये भी सुनिश्चित किया है कि उनके परिवार को कोई भी हानि ना हो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।